भजन लाल के शपथ लेते ही वसुंधरा करेंगे बगावत, होगा बड़ा खेल। 78 विधायकों के साथ पाला बदलने की तैयारी है वसुंधरा। होटल में वसुंधरा को मनाने में राजनाथ के छूट गए पसीने। राजे ने की बगावत तो संकट में फंस जाएगी पीएम मोदी की कुर्सी। राजस्थान में बीजेपी ने भजनलाल शर्मा को सीएम बनाने का ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही अब राज्य में बीजेपी के अंदर बड़ी बगावत की सुगबगाहट भी शुरू हो गई है। विधायक पार्टी के फैसले से नाराज बताए जा रहे हैं। वैसे विधायक पहले तो यही कह रहे थे कि जो भी फैसला हाईकमान करेगा वो उसे स्वीकार करेंगे, लेकिन जिस तरह से भजनलाल शर्मा का नाम सामने आया है उससे विपक्ष के साथ ही बीजेपी के तमाम नेता तक चौंक गए। भजनलाल शर्मा पहली बार ही चुनाव लड़े हैं, विधायक बने और अब सीएम बन रहे हैं, जिस कारण से पार्टी के अधिकांश नेता नाराज दिखाई दे रहे हैं। वसुंधरा की नाराजगी को देखते हुए दावा यहां तक किया जा रहा था कि पार्टी ने प्लान बी तैयार किया था, जिसमें निर्दलीय चुनाव जीते 8 विधायकों को जयपुर के एक होटल में रखा गया था। इन्हें विधायक दल की बैठक में शामिल नहीं कराया गया। पार्टी दिखाने की कोशिश कर रही थी कि अगर वसुंधरा के साथ 15 से 20 विधायक बगावत करते हैं तो निर्दलीयों की मदद ली जा सके और बहुमत का आंकड़ा पार किया जा सके, लेकिन कहा जा रहा है कि वसुंधरा के साथ करीब 75 विधायक है। पहले यह संख्या 70 के करीब बताई जा रही थी, लेकिन भजनलाल का नाम आने के बाद से विधायकों की नाराजगी कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। इस पूरे खेल में अब कांग्रेस हाईकमान भी सक्रिय हो गया है। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की पूरी नजर राजस्थान पर बनी हुई है। साथ ही अशोक गहलोत को भी सक्रिय कर दिया गया है। अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे सिंधिया के सियासी रिश्ते काफी करीबी माने जाते हैं। दोनों लोग एक दूसरे काफी सम्मान भी करते हैं और जरूरत पड़ने पर मदद भी करते रहे हैं। वसुंधरा के बंगले का विवाद हो या फिर उनकी सुरक्षा को लेकर, हमेशा सीएम रहते हुए अशोक गहलोत ने उनकी मदद की। तो दूसरी ओर अशोक गहलोत ने तो यहां तक कह दिया था कि जब उनकी सरकार संकट में फंस गई थी तो वसुंधरा की मदद से ही वो संकट से निकल पाए थे। अगर वसुंधरा ने उस संकट की घड़ी में साथ नहीं दिया होता तो सरकार गिर गई होती। खबरों की माने तो एक दिन पहले ही वसुंधरा और गहलोत के बीच फोन पर बातचीत हुई है। फिलहाल कहा जा रहा है कि वसुंधरा राजे सिंधिया बगावत को तैयार नहीं है, लेकिन उनके समर्थकों का रानी पर जबरदस्त दबाव दिखाई दे रहा है। समर्थकों का दावा है कि जरूरत पड़े तो कांग्रेस की मदद भी ली जाए। कांग्रेस को विधानसभा चुनाव में 70 सीट मिली है, 15 निर्दलीय और अन्य जीते हैं, जिसमें से अधिकांश उसी की ओर जाएंगे जहां वसुंधरा जाएंगी। ऐसे में अगर 40 विधायकों ने भी बगावत कर दी तो बागियों की विधानसभा सदस्यता भले ही चली जाए लेकिन राज्य में बीजेपी की सरकार चली जाएगी। लेकिन कहा जा रहा है करीब 75 विधायक वसुंधरा के साथ जाने को तैयार है, जबकि जरूरत 78 विधायकों की है। अगर 78 विधायक दल बदल को तैयार हो जाते हैं तो फिर विधायकों को इस्तीफा नहीं देना होगा, उन पर दल बदल कानून भी लागू नहीं होगा। वसुंधरा समर्थक विधायकों में जहां नाराजगी है, लेकिन वसुंधरा राजे सिंधिया फिलहाल शांत दिखाई दे रही है। वो भविष्य की राजनीति को देखते हुए कोई बड़ा कदम उठाना चाहती है। फिलहाल बीजेपी भी डरी हुई दिखाई दे रही है और इसलिए जेपी नड्डा लगातार वसुंधरा राजे सिंधिया से बात कर रहे हैं। राज्य को विधानसभा स्पीकर बनाने का प्रस्ताव भी दिया गया था, लेकिन राज्य ने इसे स्वीकार नहीं किया। राज्य को केंद्र में बड़ी जिम्मेदारी दिए जाने की बात भी कही जा रही है, लेकिन वसुंधरा राजे सिंधिया के तेवरों से साफ दिखाई दे रहा है कि उनकी नाराजगी हाईकमान को लेकर बढ़ती जा रही है। ऐसे में ये सवाल भी उठ रहे हैं, कहीं राज्य की नाराजगी के चलते लोकसभा चुनाव में राजस्थान में बीजेपी के साथ खेल न हो जाए। दो चुनाव 2014 और 2019 में बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया था, राज्य की सभी 25 सीटें जीत ली थी, कांग्रेस का खाता तक नहीं खुल पाया था। ऐसे में अगर राज्य की नाराजगी ने खेल किया तो बीजेपी का खाता खुलना मुश्किल हो जाएगा। अगर राजस्थान की 25 सीट बीजेपी हार जाती है तो पीएम मोदी के लिए अपनी सत्ता बचाना भी मुश्किल हो जाएगा।